ब्रह्मा विष्णु जी का एक बार विवाद हुआ कि हम बड़े हैं कि वो बड़े हैं। रूप में तुमने मान लिया उसी रूप में हाजिर है, क्या कहते हो? हाँ, तो हमारा सिद्धांत जो कहना है कि वो जो चीज निराकार है उसके पीछे भागना फालतू है, अपना ज्ञान यही है। प्रभु राम के आराधक रामेश्वरम है शिव, नर्मदा के कंकर शंकर नर्मदेश्वर है शिव। शिवपुत्री ने कहा गया है, शिव नर्मदा नदी में जो भी अस्थियां संचय होता है वो शिवलिंग ही बनते हैं। जैसे कहा जाता है कि गंगा में वालू बनते हैं, नर्मदा में शिव बनते हैं। जो नर्मदेश्वर प्राप्त होते हैं वो नर्मदा से ही होते हैं। भूलोक के राजा महाकालेश्वरम है शिव, त्रिनेत्रधारी स्वयंभू त्रयंबकेश्वरम है शिव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। संसार हेतु करते विष्पान वो है शिव, दुख पीड़ा सारी हरते भगवान वो है शिव। वो शिव की तो पूरी धरती ही है ना, देखा जाए तो आज की डेट में शिव के बिना सब कुछ अधूरा है। शिव का महत्व ही यही है, सभी उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। इस संसार के लिए महात्मा तो वही तो आदि अनादि है ना। रूप में तुमने मान लिया उसी रूप में हाजिर है, क्या कहते हो? हाँ, तो हमारा सिद्धांत जो कहना है कि वो जो चीज निराकार है उसके पीछे भागना फालतू है, अपना ज्ञान यही है। अपनों का न है सहते अपमान वो है शिव, धर्मार्थ हेतु करते नरसंहार वो है शिव। ये संहार करता है और पालन भी करता है भोलेनाथ, और उसके बाद उसको दे दिए। गौरा के प्रेम रूपा है महादेव शिव, देव जिनको पूजते हैं देवाधिदेव शिव। नागा पूजे जिनको है अघोरी देव शिव। कैलाश साधना रत है कैलाशवासी शिव, अजर अमर अनंता जो सदा विनाशी है शिव। शिव भगवान एक ऐसे भगवान थे जो मतलब किसी मोह माया से संबंध नहीं रखते थे। वो एक तपस्वी थे जो कि हिमालय पे कैलाश पे जाके अपना जीवन बहन करते थे, मतलब वो वहीं पे रहते थे और उनका जीवन बहुत ही साधारण रूप का था। शिव निराकार हैं, शिव ओंकार हैं, जो आपका एक शरीर का निर्माण है वो पूरे ओम के आधार पे है। आप अपने कान को देखिए, नाक को देखेंगे, होंठों को देखेंगे, ओम के आकार है। जो निराकार है वही शिव है। भगवान शिव आदि अनादि अनंत हैं, उनकी उत्पत्ति का कोई साधन नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं। वो ही पिता हैं, वही संसार के उत्पन्न करता है, इसलिए उनको जगत पिता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु जी का एक बार विवाद हुआ कि हम बड़े हैं कि वो बड़े हैं। उस समय दोनों की बहुत विवाद हुआ, तभी भगवान भोलेनाथ का एक लिंग पैदा हुआ। आसमान से न उसका आदि था न अंत था, ऊपर ब्रह्मा जी गए नीचे विष्णु जी गए, दोनों जगह उनको अंत नहीं मिला। उन्होंने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान आपका आदि अंत अनंत है, इसको हम लोग नहीं पा सकते, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये लोक पूजे जिनको है काशीवासी शिव, करना कृपा सभी हम पर, हम तेरे दासी हैं शिव।